इनिशिएटिव में और आवाम का क्या मैसेज? नहीं, मैसेज ये जो थाना दिवस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि पब्लिक को क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो जो थाना दिवस है इसमें हम सब पब्लिक जो है और जो मौजेज़ हैं और जो लीडर्स हैं उन सबको इनवाइट करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी आज और हम सब उस पर एक्ट करेंगे और ये सिलसिला चलाते रहेंगे जिससे हमें कंटिन्यूसली फीडबैक आता रहे पब्लिक से कि उनको किस किस चीज़ से परेशानी है। सर, क्या देखते हैं, दिस इज योर फर्स्ट थाना दिवस एंड हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू ऑल पब्लिक एंड वो बेनिफिशियल इस तरह से है कि उससे लोगों को कुछ फीडबैक मिलेगा कि हम लोगों को फीडबैक मिलेगा पब्लिक से कि उनको रोज़मर्रा में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कई बार कई इश्यूज़ हैं जो पुलिस के लिए बड़े नॉर्मल होते हैं, जैसे कहीं चोरी हो गई, छोटी चोरी हो गई, लेकिन वो पब्लिक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, तो उससे जो है वो पब्लिक हमेशा एक परेशान रहती है कि उनकी कोई मदद नहीं हुई। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए जिससे उनको एड्रेस किया जा सके। अगर किसी की रिपोर्ट वगैरह या कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो उसका एक ज़रिया होना चाहिए जिससे वो हमारे पास लेके आए, तो वही हम ज़रिया एस्टेब्लिश कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जो हैं जॉइंट चेकिंग रखते हैं DMG के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ। तो हम लोगों को जब भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ लेते हैं और हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं है। अच्छा जी सर, एक सवाल रहेगा आपसे, नशे की बात लेकर, माइनिंग की बात होगी, चोरी की बातें होगी, इस वक्त त्योहारों का सीजन है तो दीपावली की बात करें तो पटाखे को एक गोदाम जो है वो शहर के बीचों बीच कई लोगों ने बनाए हैं, तो कितना खतरा जो है बारूद के ढेर पर जो है कठुआ शहर दिख रहा है और पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी? अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि अभी दिवाली आ रही है तो हम लोगों ने दो तीन तरह से दिवाली तक का प्लान बनाया है। एक तो हम लोग पेट्रोलिंग और पुलिस प्रेजेंस जो है वो इंटेंसिफाई करेंगे, स्पेशली मार्केट एरियाज में शाम के टाइम पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा जाती है, जिससे सेफ्टी बनी रहे और जितने भी ऐसे हैजार्डस लोकेशंस हैं जहाँ पे कुछ किसी तरह की इंसिडेंट का वो संभावना बनती है, वो सब हम लोग पर्सनली चेक करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में अपने अपने चेक करेंगे और अगर उनको रिपोर्ट करना होगा तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करके एक्शन लेंगे उसके लिए। कुछ लोग भी यहाँ पर सामान बेचने के लिए आए हैं, उनकी शिनाख्त या उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रहेगी? और आज ही फेक करेंसी का जिस तरह से आपको बताया गया है वो भी कल की कठुआ मार्केट में सर्कुलेट हुई। अभी हम लोग जो बाहर से लोग आए हैं उनका हम लोग, जैसे मैंने कहा था, हम लोग शिनाख्त करेंगे उनका, हम लोग वो करते हैं क्या कहते हैं वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। और जो आपने फेक करेंसी का बताया उसका एक हम लोगों के पास अभी मैटर लाइट में आया है, जो मैंने SHO कठुआ को कहा है वो उस पर तफ्तीश करेंगे और हम लोगों को जो आगे होगा पता चलेगा। तो लोगों के लिए क्या अवेयरनेस मैसेज है? लोगों के लिए अवेयरनेस मैसेज मेरा यही है जो अभी मैंने बताया कि कई सारे लोगों को नशे की कंप्लेंट है, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का, पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके आसपास, उनके परिवार में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर पुलिस के पास आइए। कठुआ पुलिस GMC के साथ एक डी एडिक्शन सेंटर रन करता है GMC हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम किसी तरह का कोअर्सिव एक्शन नहीं लेते हैं बल्कि डी एडिक्शन पे फोकस करते हैं। नशे मुक्त करने में जितना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। ये एक पब्लिक और पुलिस की प्राइवेट पार्टनरशिप का मसला है, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ता रहे। चैलेंज ऑब्वियसली है कि ड्रग्स आ रहे हैं बाहर से, तो कठुआ जो है एक इम्पॉर्टेंट वो है, ट्रांजिट रूट है ड्रग्स के लिए, जो पंजाब से ऊपर की तरफ और कश्मीर से नीचे की तरफ जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों ने काफ़ी सारे नाके लगाए हैं चेकिंग के लिए और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, जहाँ पे हमें खासी वो मिलती है सक्सेस। इसमें हमने बड़ी सारी सर
फुक्की पकड़ी है, जो ओपीएम स्ट्रॉ है, पॉपी स्ट्रॉ है, और इस तरह के ड्रग्स भी जो कमर्शियल ड्रग्स हैं वो भी हम पकड़ रहे हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम आगे भी इसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे। सर, ट्रैफिक लाइट्स जिस तरह से लग रही है कठुआ शहर में, सुनने में ये है, उसके साथ साथ सीसीटीवी भी इंस्टॉल्स हो गए कठुआ शहर में? बिल्कुल, हम लोग सीसीटीवी को लेके बड़े सीरियस हैं और ऑलरेडी एक एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उस पर सीसीटीवी लगा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को सैंक्शन भी आया है और वो जल्दी ही लग भी जाएंगे। इसी तरह से हम सीसीटीवी नेटवर्क और उसको और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर सीसीटीवी से कवर्ड होते हैं।